नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर में कॉलेज स्टेडियम में अमर शहीद सुनील नायक की स्मृति में भाजपा 4 दिवसीय पृथ्वीपुर महोत्सव कराने की तैयारी में नगर के स्टेडियम में 4 दिवसीय पृथ्वीपुर महोत्सव का आयोजन पूर्व मंत्री अमर शहीद सुनील नायक की स्मृति में कराया जा रहा है, जिसमें 4 दिवसीय महोत्सव में क्रिकेट के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर नगर के टहरका रोड पर स्थित साहू मैरिज गार्डन में बैठक का आयोजन कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शिशुपाल यादव एवं आयोजन समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश रावत की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें नगर एवं क्षेत्र से आए लोगों ने आयोजन को लेकर अपने अपने सुझाव रखे और रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम के संयोजक विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने संबोधित करते हुए बताया कि बैठक में सभी के सुझाव प्राप्त हुई है। उसमें अंतर राज्य क्रिकेट टूर्नामेंट का 4 दिन का आयोजन होगा, जिसमें प्रथम दिवस 4 टीमें भाग लेंगी, दूसरे दिन 4 टीमें भाग लेंगी, तृतीय दिन सेमीफाइनल मुकाबले होंगे और आखिरी दिन फाइनल मुकाबला होगा। साथ ही सुझाव के तहत 4 दिवसीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 17 जनवरी को भजन संध्या का आयोजन पवन तिवारी एंड पार्टी एवं रंगीला राजस्थान लोक नृत्य की प्रस्तुति, 18 जनवरी को संजू बघेल जबलपुर एंड पार्टी के द्वारा लोक गायन की प्रस्तुति, 19 जनवरी को बुंदेलखंड के प्रख्यात गायक कलाकार बलराम लल्ला, जय सिंह राजा, सविता यादव और पप्पू बैधकड़ कलाकारों के द्वारा लोक गीतों की प्रस्तुति होगी, जबकि 20 जनवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन के बाद रात के समय संगीत कार्यक्रम में राजेंद्र गुर्जर एंड पार्टी के द्वारा राई का आयोजन होगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष ओम प्रकाश रावत ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आशुतोष तिवारी करेंगे, जबकि समापन समारोह के मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन होंगे। कार्यक्रम को लेकर अन्य तैयारियों की जा रही हैं, साथ ही कमेटियों का दायित्व पर जा रहे हैं। बैठक में लखन चंद जैन, आकाश अग्रवाल, भरत यादव जिला पंचायत सदस्य, नीरज यादव जिला पंचायत सदस्य, राजेश साहू, संजय त्रिपाठी, नंदराम कुशवाहा और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रमों का सुझाव आया ये तो बिना सामूहिक तौर पर सुझाव आए थे, अब आज परिवार के लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि जो सुझाव आपने अकेले अकेले दिए थे उन सुझावों को सामूहिक तौर पर बैठ कर अपन निर्णय ले लें, इन सुझावों में और क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या परिमार्जन करना, क्या परिवर्तन करना, वो सब अपन तय करेंगे और किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है ये भी तय करेंगे। स्थान आपको मालूम ही है शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जो खेल मैदान है, जिसको स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, वो स्टेडियम कार्यक्रम का स्थल है, जिसकी पूरी वैधानिक तरीके से प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है और जितनी औपचारिकता है वो सब पूर्ण हो चुकी है। आप सबसे तो इस संदर्भ में मार्गदर्शन और सुझाव की अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम को कैसे अपन सफलतापूर्वक संपन्न कर सके, ये सुनील नायक जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि सिद्ध हो। इस दिशा में अपन को विचार विमर्श करना है। पूर्व वक्ताओं अभी वक्ताओं की श्रेणी में अपन भाई सभी का बोल पाना तो संभव नहीं है, लेकिन 5-10 नाम यहाँ मंच से बुला लिए जाएंगे और सभी की स्वतंत्रता है अगर कोई अपना सुझाव देना चाहे। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।